आपको एक डिटॉक्स और वेट लॉस या फैट लॉस के लिए एक ऐसे संपूर्ण आहार या सुपर फूड की जरूरत है जो कि आपके सिस्टम में से सारे टॉक्सिन्स को हटा सके, आपके स्किन को एक हेल्दी ग्लो दे सके, आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना या ऊर्जा भी दे सके, ताकि डाइटिंग करने की वजह से आप बहुत ही थके हुए या फिर कमज़ोर ना दिखाई पड़े, और इसके साथ साथ ही आपके पेट की ऊपर की चर्बी कम करने में भी आपकी मदद कर सके। आज हम एक ऐसे ही फूड के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आमतौर पर आप शायद फालतू या किसी काम का नहीं या फिर कचरा समझ के फेंक देते होंगे, पर उसी कचरे में से मैं आपको बताऊंगी कि इतने सारे पोषक तत्व छिपे हुए हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स छिपा हुआ है कि अगर आप उसको खाएंगे तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस, वेट लॉस बहुत अच्छे से पुश होगा। ये जो पर्टिकुलर फूड है इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम है, फैट ना के बराबर है, और न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व भरपूर है। इसमें बहुत सारा आयरन और विटामिन सी है जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्टेमिना मिलता है। तो डाइट करने की वजह से आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कमज़ोर है, थकान से भरे हुए हैं बिल्कुल भी नहीं दिखते। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और फॉस्फोरस है जिसकी वजह से अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो दर्द जोड़ों का, पैरों का, हड्डियों का भी ये काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है। विटामिन B1, विटामिन B6 और फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये आपके पाचन तंत्र को भी काफ़ी अच्छे से चुस्त दुरुस्त रखता है। बहुत सारे इस तरह का खाना होता है जो कि अनहेल्दी होता है, और उस अनहेल्दी खाने की तरफ से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में आते रहते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स इंटरनल इन्फ्लेमेशन देते हैं। इंटरनल इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। इसके अलावा आपके स्किन पे कई बार एक्ने या फिर ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये फूड बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। इस फूड में ऐसे बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैथेकेशिन, पायरोगोगोल, वैनिलिक एसिड, फिनोलिक कंपाउंड्स, जो इन सारे फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। ये जो पर्टिकुलर फूड है वो एक्चुअली एक हरी पत्तेदार सब्जी है जी, नहीं पालक नहीं है, मेथी नहीं है। आप गेस करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये कौन सी पर्टिकुलर सब्जी है। तो ये जो पर्टिकुलर सब्जी है इसमें काफ़ी अमाउंट में फाइबर है, प्रोटीन है, और आपको पता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें काफ़ी अमाउंट में फाइबर प्रोटीन है वो पचने में काफ़ी टाइम लेती है। इसका मतलब वो आपके पेट में काफ़ी देर तक रहती है, और जब भी कोई चीज़ आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहेगी तो आपको जल्दी भूख नहीं लगने देगी, और आपकी स्नैकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ये पर्टिकुलर फूड खाने के बाद वो काफ़ी कम हो जाएगी। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होने के जो भी खाने से रिलेटेड अनवांटेड सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स आपकी बॉडी में आ चुके हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा हो गए हैं, उन अलग अलग हिस्सों में जमा होने के बाद वो शरीर के खून में जाकर खून को और ज़्यादा इम्प्योर और ज़्यादा अशुद्ध ना करें। इसकी वजह से उनके आजू बाजू कई बार फैट की एक मोटी लेयर भी जम जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम इन टॉक्सिन्स को, इन विषैले तत्वों को अपने शरीर से बाहर करें। जब ये हमारे शरीर से बाहर होंगे तो उनके आजू बाजू जो जमा हुआ वसा या फैट है वो भी टूटेगा और वो भी धीरे धीरे कम होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा बेली फैट लॉस दिखेगा, पेट का मोटापा हमारा कम होगा और हमारे ओवरऑल वजन में भी काफ़ी कमी आएगी। अब वैसा देखा जाए तो ज़्यादातर जो हरी सब्जियां हैं या हरे पत्तेदार वाली सब्जियां हैं उनका आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर में एक कूलिंग इफेक्ट होता है, वो हमारे शरीर को एक शीतलता प्रदान करती है। पर आज के जो मैं पर्टिकुलर फूड की बात कर रही हूँ वो थोड़ी सी पंजेंट है, वो थोड़ी सी पित्त हमारे शरीर में बढ़ाती है। पित्त बढ़ाने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि थोड़ा सोया हुआ है, जो कि थोड़ा धीमा चल रहा है, उसको एक अच्छी सी गति मिलती है और वो चुस्त दुरुस्त हो जाता है। पर बाकी के जो फूड, ऐसे फूड जो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं, वो मोस्टली हमारे शरीर में काफ़ी ऊष्मा या गर्मी को उत्पन्न करते हैं और उसका साइड इफेक्ट हमें स्किन पे रैशेस होके, मुहासे होके, ब्रेकआउट होके दिखता है। पर ये जो पर्टिकुलर फूड है ये पित्त को बढ़ाता है, पर ये हमारे शरीर को या हमारे रक्त को गर्म नहीं करता है, और जिसकी वजह से हमें एक्ने, पिंपल या फिर मुहासे जैसे समस्याओं से इस फूड को खाने के बाद दो चार नहीं होना पड़ता है। ज़्यादा अच्छा डाइजेशन का मतलब ही ये है कि जो भी आपने खाया है वो बहुत अच्छे से पचेगा और उस खाने में जो पोषक तत्व है वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। एक बार वो पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित हो गए तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से आप जल्दी जल्दी फैट को बर्न करेंगे, वो जो आपके शरीर में जमा हुआ वसा फैट है वो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज़ होगा और आप बहुत अच्छा इफेक्टिव फैट लॉस, वेट लॉस या फिर बेली फैट लॉस भी देखेंगे। ये फूड कौन सा है और इसको अपने डाइट में हमें किस तरह इंक्लूड करना है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेक्शन में।
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, किसी भी पॉइंट पे वीडियो को मिस ना करें। अब तक दी हुई जानकारी आपको नई लग रही है तो बड़ा सा थम्स अप देके लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे भी मोरल बूस्टिंग मिले आपके प्रोत्साहन की वजह से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मौसमी फूड से रिलेटेड वीडियो जब आप शेयर करते हैं तो लोग उस मौसम में उस फूड का फ़ायदा लेके अपने हेल्थ में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो आप भी एक पॉजिटिविटी देने के एजेंट बने किसी के लाइफ में। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, और उनको समय पे देखने के लिए आपको बगल का बेल नोटिफिकेशन बिना भूले बिल्कुल दबाना है। वेलकम बैक फैमिली, और आज जो हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे शरीर में मौजूद दो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग को बढ़ाने का काम करता है। स्पेसिफिकली डिटॉक्स में जुड़े हुए ये जो दो ऑर्गन है वो होते हैं लिवर और किडनी। तो ये जो पर्टिकुलर फूड है वो एक तो यूरिनेशन को बढ़ाता है, तो डेफिनेटली जब आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, आप यूरिन ज़्यादा करें तो उसके थ्रू काफ़ी सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर में से निकल जाएंगे। इस तरह वो किडनी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, और दूसरा वो हमारे लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि लिवर ही वो दूसरा ऑर्गन होता है वो डिटॉक्स में इन्वॉल्व होता है। इंडोल 3 कार्बोनिल कंपाउंड और मिथाइल ब्यूटाइल आइसोसायनेट, ये जो दो कंपाउंड होते हैं ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं, और अगर हमारे लीवर में किसी भी तरह का डैमेज हुआ रहता है तो उसको हील करने का काम, उसका उपचार करने का काम भी इस फूड में मौजूद ये दो कंपाउंड करते हैं। इसलिए जब किडनी के थ्रू टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो रहे हैं, जब लीवर आपका हील हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, उसमें से टॉक्सिन ज़्यादा अमाउंट में निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड प्यूरीफाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जब आपका ब्लड प्यूरीफाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही यंग, ग्लोइंग, सप्पल, हेल्दी स्किन मिलेगी, और अंदर से डिटॉक्स होने की वजह से फैंटास्टिक वेट लॉस और बेली फैट लॉस मिलेगा। तो आपको इस फूड को डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आप इस वेकेशन के, फेस्टिवल के, वेडिंग के सीजन में अपना बेस्ट वर्जन दिखे और अंदर से फील भी करे। आप सोच रहे होंगे कि आप, मैंने सारी बातें कह दी, पर जो बात मैंने अभी तक नहीं कही है वो है इस फूड का नाम। तो ये फूड है मूली के हरे पत्ते। जी, वही हरे पत्ते जो हम अक्सर फेंक देते हैं। अक्सर हम मूली ही नहीं खरीदते क्योंकि हमें मूली इतनी तीखी लगती है, उसकी जो भी खुशबू है वो हमें पसंद नहीं आती और हम उसे नहीं खरीदते। बट लेट मी टेल यू कि जो मूली के पत्ते हैं उनकी खुशबू भी इतनी ज़्यादा पंजन नहीं होती, और उनका टेस्ट भी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता, वो थोड़े स्वीट से टेस्ट के होते हैं। और आपको वेट लॉस में वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं, डिटॉक्स में वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं मैं बता चुकी हूँ। आपको बस ये करना है कि आप मूली के पत्तों को अपने थाली पे, थेपला, चीला में यूज़ करें, या फिर आप मूली के पत्तों को अपने दाल में यूज़ करें, रसम या सांभर में यूज़ करें, सब्जियों की ग्रेवी में यूज़ करें, आप उसके पराठे बनाएं, आप उसको सैलड में यूज़ करते हैं, साइड डिश की तरह यूज़ कर सकते हैं, सूप में एज ए टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आपकी नॉनवेज की ग्रेवीज में भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ रेसिपी आइडियाज़ हैं। रेसिपी आइडियाज़ के थ्रू आप मूली के पत्ते को इंक्लूड कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मूली के पत्ते इंक्लूड किए हैं। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको आज की दी हुई जानकारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हटके लगी होगी। तो बढ़िया सा, अच्छा सा थम्सअप दीजिए, शेयर बहुत ज़्यादा इसमें करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। कमेंट करके बताइए अगर आपको मूली के पत्ते से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी पता हो तो। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाए, और इसी तरह अपना अच्छा अच्छा ख्याल रखते रहिए, क्योंकि आप इस ख्याल को बिल्कुल डिजर्व करते हैं। मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देती हूँ आपसे विदा, शुभम भवतु।